होगी कब, बट चलिए इसी के साथ रेकनिंग वर्सेस फोर्स वन की जो फाइट है वो चलने वाली है। वाशु उनके एचपी काफी ज्यादा कम हो चुके, एक और ग्रेनेड आया बट थोड़ा सा डेप्थ ज्यादा वहां पे नीचे ग्रेनेड गया। जरूर वाशु एक बार फिर से कोशिश कर रहे हैं, बट चलिए कम से कम रेकनिंग के जो प्लेयर्स थे वो पीछे जाने में उन्होंने कामयाबी हासिल करी है, दिक्कतें नहीं होने वाली। M249 भी हमें देखने को मिलने वाला, बट मिस्टर स्प्रे वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो मैक्सी को बचाने के चक्कर में स्मोक कर रहे थे बट अपनी पोजिशन वहां पर रिवील कर बैठे। बट चलिए वैम्पायर वो जरूर मैक्सी का तो डाउन किया गया। आप एचपी देखे कितनी दीवार बनकर के था रेकनिंग के प्लेयर्स को फायदा जरूर हुआ। वासु वहां पर है, जरूर उनके नीचे प्लेयर्स रहेंगे उनको स्पॉट किया जाएगा। वासु यहां पर धासु शायद ना हो पाए, मैक्सी आगे मूव करेंगे, इंस्टेंटली एक नॉक यहां पर निकाल के गन स्विच करके 22 गोलियां रहेंगी। कुल की शॉट रीलोड, दे टेक देयर ओपोनेंट्स डाउन। मैक्सी को देखिए यहां पर दो अच्छे पिक्स निकाल चुके हैं साइड बाय साइड रेकनिंग के प्लेयर्स। वो हंट पर है, वो आगे जाना चाहते थे लेकिन अब्रार यहां पर रुकेंगे, अपने टीममेट्स को रिवाइव दिया जाएगा एंड रेकनिंग मेंटली तो ये फाइट जीत चुकी है। सुपारी गैंग की बात करी जाए टोटल फिनिशेस उन्होंने निकाले बट मुझे लगता है सारे फिनिशेस आगे जा सकता है। क्या वो 12 प्लेसमेंट पॉइंट निकाल सकता है? मुझे लगता है आंसर है हाँ, क्योंकि संडे वहां पे स्पॉट किए गए, डैमेज बहुत ज्यादा, अब्रार का एक बढ़िया मॉली जाता हुआ संडे वहां पे डाउन होते हुए नजर आ सकते हैं, बट नहीं यस बिल्कुल वो डाउन होते हुए नजर आएंगे। पायरो वहां पे बैठे थे, अब्रार क्या उन्होंने देखा? नहीं देखा उन्होंने, और संडे मुझे नहीं लगता वो बच सकते हैं, इसके साथ खत्म हुए। बट पायरो आओ चलिए उनको स्पॉट कर लिया गया, इसके साथ वो खत्म हो जाएगा। अंडी डाउन होते हुए लास्ट प्लेयर मॉन्टी बचेगा अपनी टीम से, 1v2 का सिचुएशन होता हुआ कुछ खास कमाल नहीं कर पाएंगे। एक बढ़िया चिकन डिनर रेकनिंग ईस्पोर्ट्स के पास जाता हुआ ओशन बट्स लगाएं। स्क्रिल्स वेलकम टू द स्ट्रीम, व्हाट्स अप? हेलो, हाय गाइस। मैं बताता हूँ स्क्रिल्स हंस क्यों रहे हैं। थोड़ी देर पहले ही मेरी स्क्रिल से बात हुई थी, जब मेरी स्क्रिल से कॉन्वर्सेशन हो रही थी मैंने इनको बोला कि आप लोग अभी कर क्या रहे हैं, कहते बाकी लोग तो गेम खेल रहे हैं, मैं गेम छोड़ के बीच में यहाँ पर बात बात करने आया था। एंड वेल आई मीन बाकी लोगों का और आपका जो ग्राइंड था इट पेड ऑफ रियली गुड। हार्डवर्क पेड ऑफ एक मैच के लिए एक मैच के लिए अगर एक मैच के लिए क्या मतलब कि अगले बाकी सारे मैचों का क्या आप इसी तरीके से थोड़ा सा रुकेंगे, प्लेसमेंट पॉइंट के लिए खेलेंगे उसके बाद फिनिशर्स के लिए जाना पसंद करेंगे या पहले से ही, क्योंकि एक मैच में तो हो गया, एक मैच में तो फिनिशर्स भी निकाल लिए, चिकन डिनर भी आ गया, पहले से ही आपने लीड लेके रखी हुई है, अब बाकी में थोड़ा एक्सपेरिमेंट या फिर नॉर्मल जिस तरीके से अभी आपने खेला? एक्सपेरिमेंट कुछ नहीं, नथिंग टू डू, लाइक अभी पैसिव गया हम लोग, ऐसा ही जाना था, और लाइक मोर 2-3 मैचेस, देन बाद में इफ वी गो अग्रेस, अगर पॉइंट अच्छा रहे तो वी विल गो अग्रेस, अग्रेसिव वी कैन गो अग्रेस, दैट्स इट। जी नॉर्मल, रेस्ट ऑफ थिंग पैसिव ही चलेगा एवरी मैच। जी सो लेट्स टॉक अबाउट अ फ्यू फाइट्स, राइट? क्योंकि जहां पर सर्कल बना था वो कंपाउंड्स ऑलरेडी कुछ टीम्स ने एक्वायर कर रखे थे, उनके पास ऑलरेडी वो कंपाउंड्स थे, बट आप लोग पीछे की फाइट्स लो फोर्स वन के साथ, वो जो हल्की सी जो हलचल हुई थी, लाइक ऐसी छोटी मोटी फाइट्स हुई जरूर, सो उन फाइट से जो मोमेंटम बना उसने किस तरीके से आपको फाइनल फाइट तक जाते जाते हेल्प किया, एक बार उसके बारे में बताइए, बिकॉज वो उससे पहले भी बहुत कियोटिक फाइट्स में आप लोग इन्वॉल्व थे। हाँ, वो लाइक वो अनएक्सपेक्टेड था, लाइक वो लोग एज क्लियर करने के लिए पुश कर दिया फोर्स वन, एंड हम लोग वो डिफेंड भी कर दिया, देन सामने हम लोग बिल्डिंग पुश करना था फॉर जोन, सो अगर किधर नॉक मिलेगा उधर पुश करो, दैट्स ऑल, जोन मिल जाएगा इजी, सो एक नॉक मिल गया उधर ही घुस किया, जोन भी मिल गया, इजी था वो। चलिए थैंक यू सो मच स्क्रिल्स हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये सारी चीजें तो बहुत अच्छी थी बट उसके अलावा जो अच्छी है वो है आपके स्पेक्स, मुझे बहुत ही ज्यादा बेहतरीन लगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन हमारे साथ जुड़ने के लिए, उम्मीद करते हैं आप फिर से हमारे साथ जरूर जुड़ेंगे। टेक केयर, थैंक यू। कभी एक एडवांटेज रहने वाला, साथ ही साथ मैन एडवांटेज, चारों के चारों खिलाड़ी यहां पर सरवाइव करते हुए, और अब्रार का जो क्रॉसर है वो जाता हुआ टीम एक्सो के ऊपर, सेंसे वीकल लेके वहां से निकलना जरूर से चाह रहे लेकिन इंस्टेंटली उनको वो चीज डिनाई करी जाएगी। टीम एक्सो या TSG कौन यहां से बच पाएगा वो एक बड़ा सवाल। दोनों टीमों को आगे जाना है, सेंसे को ऑलरेडी जोन खाना शुरू कर चुका, अमरकृष्ण को भी जोन डाउन कर चुका, इन दोनों की आपस में फाइट हो चुकी है, अब देखते हैं कौन यहां से सर्वाइव करता है। सुपारी गैंग के प्लेयर्स फिनिश हो गए, बिकॉज़ इट वाज सेंसे जो निखिल को पिक करते हैं, बट दूसरी अब्रार एक्सो को फिनिश ऑफ करते नजर आएंगे। वेल इस सब फाइट के बीच में एक तीसरा आता है और टीम्स को यहां पर फिनिश ऑफ कर जाता है। अब्रार एक और प्लेयर को ऑलमोस्ट नॉकआउट कर देते हैं, बट 12 वो जो रिज का कवर है वो उनको अभी के लिए जीवित रखेगा।
नेक्स्ट सर्कल किधर जाता है वो एक बड़ा सवाल जरूर से रहने वाला है। अगर टीम रेकनिंग के फेवर में वो गया देन ऑब्वियसली टीम रेकनिंग यहाँ पे प्रबल दावेदार हमें देखने को मिल जाएंगे इस पर्टिकुलर मैच के विनर विनर चिकन डिनर के। मीनवाइल ओमेगा की जो पोजीशनिंग है वो पूरी बट अगेन अगर हम बात करें टीम बीबीईजी 4 की 20 डाउन हो जाएगी वहां पे एरन भी डाउन होगा और डीएमआर एक्शन आएगा स्किल्स की साइड से बट नॉक जिसकी दरकार थी वो अभी के लिए देखने को नहीं मिलेगा। मिट्टी काफी बेहतरीन तरीके से आप देखिए शॉट जहां पर डाले गए थे अब दो शॉट्स और यहां पर बांधने पड़ेंगे एक प्लेयर को आराम से नॉक करेंगे बट स्किल्स His location was compromised. उन्होंने वहां पर गोलियां चलाई लेकिन उनको जल्दी से जल्दी भांप लिया गया था। अब्रार इस समय हमें नजर आ रहे हैं शायद कोई ऊपर जाए तो अपने टीममेट को बचा सकते हैं। स्किल्स को बोला जाए कि आप नीचे आ जाइए आपको हम टच कर लेंगे आपको रिवाइव करेंगे। फोर्स वन के प्लेस को भी रिवाइव मिल रहा है। रिलेश जॉस के तो मैं नाम लेने ही वाला था लेकिन शायद गलत चीज के लिए क्योंकि उनके ऊपर नेड़ आता है और उनको उनकी टीम को बाहर का रास्ता दिखाया जाता है और वहीं पर K9 के प्लेस भी फॉलो अप करेंगे। 5 टीमें 17 लोग जीवित। द चिकन रशर्स को आप देखिए बिल्कुल स्लोली एंड साइलेंटली खेल रहे हैं। 3 फिनिशर्स तो उन्होंने निकाले हैं लेकिन चारों के चारों जो खिलाड़ी उनके वो सर्वाइव कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें टीम बिग ब्रदर इजी 4 चीजों के पहले स्नाइपर को स्पॉट किया जा चुका है आप देखिए स्प्रेस दिए गए थे लेकिन डैमेज मैक्सी के भी ऊपर पड़ा है। 3 फर्स्ट एड्स है आराम से लगा लेंगे बट ये जो नीड है नीड परेड घर के अंदर मैन मेड रेड जोन बनाया जाता है। अब्रार का नेड एक प्लेयर को पिक करेगा एक और फॉलो अप ग्रेनेड जाएगा डैमेज होते हैं बट अब्रार को समझ में आ चुका है कि राइट हैंड साइड पर भी प्लेयर्स है खुद को फुली बूस्ट अप करना पड़ेगा। सर्कल चलना शुरू हो चुका है चिकन रशर्स उनके पास एरिया है बट वो एक प्लेयर को रिवाइव देके उसको हील करने तक अगर उन्होंने फाइट संभाल ली तो वेल एंड गुड बट रेकनिंग के प्लेयर सोचिए अगर ओपन में आ गए तो पीछे बिग ब्रदर्स के प्लेयर्स सामने चिकन रशर्स के प्लेयर्स कैसे वो बैक टू बैक चिकन निकाल पाएंगे एक बहुत बड़ा सवाल। टीम रेकनिंग मेरे ख्याल से अब काफी ज्यादा मुश्किलात में आ चुकी है। उनको अगर जोन के अंदर जाना है तो या तो प्रेशर वो क्रिएट करे या फिर स्मोक का एक वॉल बना करके सर्कल के अंदर जाए बिकॉज ये जो भी उनके पास एक कवर हमें देखने को मिल रहा है वो ज्यादा देर तक टिकेगा नहीं क्योंकि जो अगला जोन है वो उनसे दूर हमें देखने को मिल रहा है। एंड मीनवाइल टीम चिकन रशर्स को यहां पर पुश करना पड़ सकता है टीम बिग ब्रदर्स के ऊपर। एंड मीनवाइल यहां पर अगर हम बात करें टीम रेकनिंग की तो वो भी कोशिश करेंगे जोन के अंदर जाने की इजीली स्पॉट किया जाएगा एक प्लेयर को विंडो में भी वहां पर जो प्लेयर्स थे वो विजिबल जरूर से थे। एक और प्लेयर को डाउन किया है। एंड बात करें जेन ओपी की तो वो यहां पर टोटली ओपी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। एक और प्लेयर को स्पॉट करने की कोशिश जरूर से थी लेकिन वो पॉसिबल चुका है सर्कल के अंदर आने का। नाउ इट्स गोना बी अ 4v3 लेट्स सी व्हेदर इट्स गोना बी अ बैक टू बैक विद अ चिकन डिनर फॉर टीम रेकनिंग या फिर टीम चिकन रशर्स लेकर के जाएंगे चिकन। देखते हैं कि क्या होता है बट मिस्टर स्प्रे आप देखिए उनके पास आखिरी चीज थी यहां पर हील करने के लिए बट उनको डाउन किया जाएगा। नंबर्स बैकफुट पर जा रहे हैं। मैक्स इज द लास्ट वन सर्वाइविंग। इनफैक्ट उनके टीममेट है यहां पर अब्रार भी नजर आ रहे हैं बट कितनी देर तक सर्वाइव कर पाएंगे। मैक्स ने बाहर संभाला दोनों गोली दोनों वेपन्स में यहां पर 0-0 गोलियां थी। दे आर स्वेटिंग बुलेट्स कहीं ना कहीं पसीने की तरह बुलेट्स बहाई जा रही है बट फाइट्स तो लेनी पड़ेगी। वैम्पायर आगे स्मोक करेंगे और उसके बाद खुद को कवर में रखेंगे लेकिन यहां पर अब्रार आगे आ चुके हैं। मैक्स भी आगे जा रहे हैं मिस्टर स्प्रे वो तो यहां पर खैर डाउन है ही बट अब्रार 17 गोलियां इस प्लेयर के पास। एंड वंस अगेन कूल किड्स डोंट रीलोड दे जस्ट टेक देयर ओपोनेंट डाउन। आगे मूव करने की कोशिश ही वेंट से ही गोज इन रेकनिंग विद अ बैक टू बैक बैंग। वो यहां पर बैक टू बैक विनर विनर चिकन डिनर जो वो हमें टीम रेकनिंग के पास जाता हुआ नजर आ रहे और आप हमारे साथ जुड़ते भी नजर आएंगे रेकनिंग के प्लेयर्स। सो हाय हेलो हाउ आर यू एंड कांग्रेचुलेशंस फॉर द विनर विनर चिकन डिनर। Thank you so much. So, how does it feel to have like 2 back-to-back games and almost a hat-trick chance? Yeah, it's feeling good, but let's see. We have more 4 matches. We have to do a consistent performance to cross 100 points. Already our close friends HH had made a 99. Yeah, so yeah, we are also hoping that we could do something well, more than that's a very positive nice. Competition with friendship, right? That if they are up with some points, then obviously. That's very good. But again, I want to know what happened in the last circle because the zone was not in your favor. You were having a cover, but at the end, we saw that it was out of the zone. So, the fight which happened between the other 2 teams, somewhere it gave you an advantage to get inside the circle. So, how was things going at that time? Like, what were the call outs and stuff? Yeah, on that time, our Skrillex was, ऊपर चढ़ के वो फंस गया, so वहाँ पर knock हो गया और finish भी हो गया. Then we had 3-man situation, so वहाँ पर हम लोग notice किया कौन कौन fight कर रहा है और हम लोग notice किया कि वहाँ पर 2 knock हो गया, so हम लोग right से push करा तो हमको zone भी मिल जाएगा और उनको kills भी मिल जाएगा, so position भी आ जाएगा, so वहाँ पर हम मार देंगे मारने के लिए बोला और इन लोग वैसे ही किया और result भी आ गया. उन लोग इन लोगों को तो
इजी है 1v1 लेने के लिए, मैक्सी है और अब्दुल भी है, लॉन्ग तो इजी है 1v1 लेने के लिए, सो इजी से हो गया वो. Perfect. I mean, I just have one question, and that is round 3 and quarterfinals. How do you feel the difference in the mentality of the new teams? Because we have key factor. That's nice. Key factor. Thank you so much for joining. And obviously, the things that you said, the young aspirants must be hearing it, and they'll be, you know, gaining a lot of confidence out of it. So thank you so much for joining. Congratulations for the winner chicken dinner. Let's hope that the other matches which are coming, that too are going in your favor only. All the best. Thank you so much. Nandri.